शरद डे हरिंदर पाल सिंह जौली साहब नमिता जौली सारी पहल उन्होंने करो दोनों ही इंडिपेंडेंट जो काउंसलर ने उन्होंने कांग्रेस को मैं समझना कि बहुत गुरु महाराज साहब की मेहर नाल मैं अच्छा ट्रेंड कह रहा लंबे अरसे तो पतझड़ हो रही थी सीजन हूँ बदल रहा तुम पता 23 सितंबर तो रात लंबिया तो दिन छोटे होने हूँ कांग्रेस के चंगे दिन आम की गल हो रही जो इंडिपेंडेंट विचारधारा रखने वाले लोगों इंडिपेंडेंट जितना मीन वेरी पॉपुलर थे उन्होंने आना मीन कि एक बहुत कांग्रेस वास्ते शुभ संकेत है सानू इस टाइम भारी लोड़ है अपने चंगे साथी पार्टी के लैके आने की सो मैं गौरी जी का और अजाइब का अपने सारे ही साढ़े संके दे कैंडीडेट टिंकू जी का अपने छोटे वीर गौरजी चावला जी का लहर साहब का साढ़े महिला कांग्रेस की रक्षा जी का साढ़े ब्लॉकों के प्रेजिडेंट्स के इस मोहल्ले के सनी इनकलेव के जिन्हें भी इन्होंने रिश्तेदार संबंधी दोस्त आए उन्होंने सारे का मैं बहुत बहुत थैंक्स करता इस औखी घड़ी तुम सारी पार्टी की मां बनी है परमात्मा ने मेहर की तो साड़ी उम्र सानू बख्शी असी इनका ये जरा इन्होंने साढ़े पर बहुत बड़ी कृपा की आते टाइम के बच्चे असी इनका मान तो सम्मान इनका इन्होंने साथी भाई साहब परमात्मा पंजाब के मुख्यमंत्री जो पंजाबियत की या पंजाब की गल छिटी आती है उदो चुप हो जाते हैं कनेडा के मसले के उत्ते इन्ना कुछ होया पंजाब सब तो ज़्यादा अफेक्ट होया एक भी शब्द उन्होंने हाले तक पंजाबियों कैनवेस कोई विवाद ने नहीं करे वो चुप है इतने ना ही जो पाकिस्तान का व्यापार है इसे भी हल करता पंजाब सब तो ज़्यादा अफेक्ट होया इस मसले को देखो एक मिनट मैं तो तुम्हें दसना चाहता सारे नो बड़े पैमाने पर जे किसी ने एक आप पार्टी की जित कोई रोल किया एन आर आई साढ़े की क्योंकि तकरीबन 50 लाख एन आर आई है दुनिया भर तो साड़ी कुल आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ सो 5 से 6 हिस्सा एन आर आई तो कोई यहोजा पंजाब का घर नहीं गरीब तो अमीर तक किस घर के मैंबर अज बाहर मुल्क में चले एन आर आई चाहते सी एक रंगला पंजाब इस विश्वास के नाल कि नवी जमात है इन्हों की आइडियाज बड़े रेवोल्यूशनरी ने दिख तो ईमानदार जापते ने सादे जापते ने उन्होंने इन्होंने मदद कर दी बट 18 महीने उन्होंने महसूस करना शुरू करता रंगले की जगह पर इन्होंने पंजाब रंगला कर उ नशे के दरिया वग रहे ने तुम कैनेडा की गल की अज जदों अपने पंजाबी भरावों वास्ते अपने बच्चों वास्ते 70,000 करोड़ रुपए दायदादा हर साल पंजाबी वेच के 3 लाख पंजाबी हर साल बाहर मुल्क जाते बजाए कि साढ़े नौजवान बच्चों वास्ते असी कोई आवाज़ उठा सकते चंद दिन पहले होम मिनिस्टर अमृतसर च आए नॉर्थ जोन की मीटिंग हुई जिते 3-4 साढ़े चीफ मिनिस्टर हाजिर हुए ना व्यापार की गल बिल्कुल मैं थोड़े ना सहमत हाँ पंजाब ता ही तरक्की कर सकता जे वाघे का तो अटारी का बॉर्डर खुले ट्रेडिट क्योंकि साढ़े कोई बंदरगाह है पंजाब के वड्डी इंडस्ट्री है नहीं क्योंकि असी बिल्कुल लैंडलॉक्ड एरिए बैठे हाँ दरियावान तो बहुत दूर नदियों तो असं बैठे हाँ जिन्ना चर पोर्ट नहीं होगा साढ़े इंडस्ट्री कामयाब नहीं होगी साढ़े को कला लैंड रूट है ट्रडिशनल सिल्क रूट इन कहा जाता है जिन्नी बार भी इनवेडर्स बहरों आए ने हमलावर आए वो इसे गल कर आए क्योंकि सारे नो वध सेंट्रल एशिया के ट्रेड चलता होया फिर रावलपिंडी पिशावर के जरिए लाहौर अमृतसर फिर दिल्ली तक जाते वो रस्ते बंद किए 1.5 साल मौजूदा भाजपा की सेंट्रल सरकार ने की मैं समझना एक सोची समझी साजिश है जिस दे नाल पंजाब नू कमजोर किया जा रहा है मुख्यमंत्री भी मैं इस गल कोई अफसोस नहीं कहते हुए कि जोड़ा यदि मिली भुगत है भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप जो कुछ भी यह कर रहे हैं एंटी पंजाब कर रहा
एंटी सिख कर रहे हैं, एंटी मेजोरिटी कर रहे हैं। पंजाब के राइट्स नूं कदी भी भगवंत मान ने प्रोटेक्ट नहीं किया, कदी जिक्र साडे आरडीएफ का नहीं किया, साडे बार्डर का जिक्र नहीं किया जिहड़े बंद पए ने, साडे पंजाब च इंडस्ट्री लियाण का कदी जिक्र नहीं किया, पंजाब दे दरियावां दी, साडे चंडीगढ़ दी कदी कोई आवाज ही नहीं बुलंद की। मेरे समोसे ते डोसे खा के अमृतसर की चाट खा के वापस आ गए। मैनू एक उपलब्धि दसे कि अज तो चार दिन पहले होम मिनिस्टर की मीटिंग दे विच कि एहोजी चीज है जी भगवंत मान ने उतो प्राप्त की थी या पंजाब वास्ते कोई प्राप्ति की थी। एंड रिजल्ट इज जीरो। मुख्यमंत्री जो बेसिकली एक रबर स्टैंप हू इज नाउ बीइंग रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैनू जानता है इन्हों की जी टॉप लीडरशिप है आपकी, उन्होंने भी समझ आनी शुरू हो बंदा साडा नहीं, ये किसी होर का स्टैंप साडी सी, इस स्टैंप नूं चुके कोई होर लैके अपने मुताबक मोहर लवाई जाते हैं जिहड़ियां पंजाब के इंटरस्ट के खिलाफ।